कमलितम विमलयचलम सर्वदिशाक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सतगुरु तम नमामि। नमो नारायण। 12 जुलाई सन 2012 और गुरुवार का दिन है। राज का दिन सुकून और शांति से बीती। आज के दिन विशेष लाभ के लिए ओम देवाय नमः, ओम देवाय नमः इस मंत्र का जाप करना बहुत शुभ रहेगा। और बात करते हैं गुरुवार के पंचांग की। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की नवमी, विक्रम सम 2069, प्रातकालीन नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र और चंद्रमा मेष राशि। और गुरुवार का राहु काल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। और राहु काल के दौरान शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित नहीं माना है। सलाह मेरी और मर्जी आप। अब मैं आपको ले चलता हूँ नक्षत्र विज्ञान की दुनिया में। क्या कहते हैं आपके ग्रह नक्षत्र आपके लिए। बात करते हैं गुरुवार के राशिफल की। मेष राशि, हालात और प्रश्न में सुधार होगा और स्वास्थ्य में सुधार। आज चुस्ती फुर्ती रहेगी, काम करने में मन लगेगा, दिन भर तरोताजा दिमाग रहेगा। कारोबार में सुधार, कारोबार में लाभ, आय के नए साधन उपलब्ध होंगे और आज किए गए परिश्रम के अनुकूल शुभ परिणाम और लाभ की स्थिति भी रहेगी। क्या करें कारोबारी, यदि आप यात्रा करना चाहते तो आज के लिए ठीक रहेगा। क्या ना करें, दूसरों के बहकाव में न आए तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले सितारों की यदि बात करूं, आज ग्रह नक्षत्र आपके लिए अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहे हैं। आज थोड़ा सा मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट आप महसूस करेंगे। कारोबार में रुकावट, पूंजी निवेश से हानि और आज आपके अपने ही हानि पहुँचाने का प्रयास करें और कानूनी उलझने संभव है। अपने हानि पहुंचा सकते हैं, कानूनी मसलों में अड़चन आ सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि पूंजी निवेश नुकसान देगा और कारोबार में रुकावट भी है और मानसिक तनाव और शारीरिक कष्ट भी है। भयभीत होने की जरूरत नहीं, ये सितारे कह रहे, दाती माँ कह रहे हैं कि आज भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए शुभ और मंगलमय है। आज भगवान शिव को मनाएगी। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते भगवान शिव का दही से अभिषेक करके देखिएगा कष्ट नहीं आएगा। क्या करें, परिश्रम और समर्पण के भाव से कार्य करें तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या ना करें, विवादित सौदों में पूंजी निवेश न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि, समय उत्तम, शुभ कार्य की योजना सफल होंगी, बड़े भाई और मित्रों का पूर्ण सहयोग और हर क्षेत्र में आज विजय है। नवीन कार्य की योजना सफल होगी, धन लाभ होगा और आज आपको उपहारों की प्राप्ति भी होगी, कहीं ना कहीं से भेंट जरूर मिलेगी। क्या करें, साहस और उत्साह बना के। क्या ना करें, कार्य योजना की गोपनीयता को भंग न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ, सितारों का शुभ संकेत, सरकारी क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में लाभ मिलेगा और आज बड़े अच्छे संबंध आपके लोगों से बनेंगे और पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, धन लाभ और सुख बढ़ेगा। कर्क राशि वालों क्या करें, कार्य संबंधी गोपनीयता बहुत जरूरी, वाणी पर संयम रखना बहुत जरूरी। क्या ना करें, आज पूंजी निवेश से थोड़ी सी सावधानी करना बहुत, और यदि पूंजी निवेश करते हैं तो बुजुर्गों की सलाह इग्नोर न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों, जिस तरह के घर योगाई हो गए, संतान समस्या समस्या का समाधान होगा, संतान संबंध जितनी भी समस्या होगी उसका समाधान और मन में संतोष होगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता, अध्यात्म आस्था बढ़ेगी, बुजुर्गों के सहयोग से कार्य में सफलता मिलेगी, धन लाभ होगा। पर एक बात बहुत जरूरी है सिंह राशि, वो है कि खर्चों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। क्या करें, आज मनोवांछित कार्य करने का प्रयास करिएगा, जरूर सफलता मिलेगी। क्या ना करें, किसी को भी कर्ज ना दे तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, ग्रह गोचर की स्थिति अनुकूलता का संकेत नहीं, भाग्य साथ नहीं दे पाएगा, महत्वपूर्ण कार्य में जल्दबाजी न करें और पूंजी निवेश से बचें, आपके अपने ही धोखा देने का प्रयास करेंगे, धनहानि है, स्वास्थ्य प्रभावित है और मान सम्मान की चिंता भी नजर आ रही है। कन्या राशि वालों, गोचर ये कह रहा कि आज सावधानी है, छोटा सा उपाय, माँ भगवती की आराधना आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगी। माँ भगवती की पूजा करिए, आज माँ भगवती के आगे देसी घी का दीपक जलाइएगा, कष्ट कम आएंगे। विशेष क्या करें, भूमि और वाहन खरीद सकते हैं। क्या ना करें, पारिवारिक आवश्यकताओं को अनदेखा ना करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि वालों, समय अनुकूल, सितारों का शुभ संकेत, घर में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे, मित्रों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, दिए गए वादे पूरे होंगे, व्यवसायिक योजना सफल होगी और घर परिवार में प्रसन्नता का वातावरण रहेगा और सुख और संपन्नता में वृद्धि होगी। तुला राशि वालों, गोचर अनुकूल, क्या करें, सामाजिक कार्य करने का थोड़ा सा समय निकालें,
क्या ना करें, कानूनी झमेलों में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों, ग्रह को शुभ सितारों का शुभ संकेत, आज पुराने ऋण और रोग से छुटकारा मिलेगा और स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। शुभ समाचार की प्राप्ति, धन वृद्धि, ननियाल का सुख और मान सम्मान बढ़ेगा। क्या करें, पारिवारिक संतुलन बनाने का प्रयास करिएगा। क्या ना करें, कोई भी कार्य अधूरा न छोड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं धनुराशि की। धनुराशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग, थोड़ा सा आज धैर्य से काम करना पड़ेगा और क्रोध पर काबू रखना पड़ेगा। आज थोड़ी सी परेशानी है, मेहनत के अनुरूप फल मिलने में थोड़ा सा विलंब होगा। शुभ कार्य की योजना भी थोड़ा सा विलंब से सफल पूरी होगी। आज मानसिक तनाव है, चिकित्सा पर खर्च है और संतान संबंधी समस्या भी परेशान कर सकती है। और सुबह से लेकर शाम तक गोचर यही संकेत दे रहा, थोड़ी सी सावधानी, भयभीत नहीं हो, ये गोचर है, संतान पर ध्यान दें, स्वास्थ्य पे थोड़ा सा ध्यान दे, तनाव नहीं हो इस पे ध्यान दे, थोड़ा सा धैर्य से काम करें। छोटा सा उपाय जो बहुत सुंदर है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करिए। पीली वस्तुओं का दान स्वागन स्त्रियों को करना बहुत शुभ रहेगा। विशेष क्या करें, नवीन कार्य की योजना थोड़ा सा सोच समझ कर शुरू करें। क्या ना करें, बेवजह किसी तकरार न करें तो बहुत अच्छा रहा। नमन, और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वालों, परिवार में वैचारिक मतभेद और तनाव की संभावना। शुभ कार्य की योजना में अड़चने उत्पन्न होगी। आज के दिन मशीनी रुबान खरीदने में हानि व धन का नुकसान संभव नजर आ रहा है। आज पारिवारिक समन्वय बनाए रखना बहुत जरूरी है। और एक बात और करना चाहते हैं मकर राशि वालों, आज अपने क्रोध पर काबू रखिएगा, ये गोचर है और इसका निवारण है कि ओम शाम शनिश्चराय नमो, भगवान शनिदेव की आराधना करें, मूर्ति का स्पर्श करें। और आज सरसों के तेल का दान गरीब को देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, रुके हुए धन की प्राप्ति का प्रयास करें। क्या ना करें, तो अधिकारी वर्ग से नाराजगी मोल न ले तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, ग्रह गोचर शुभ सितारों का शुभ संकेत, शुभ समाचारों से मन प्रसन्न रहेगा। नए टेंडर नए ऑर्डर मिलेंगे, धन लाभ होगा, छोटी मोटी कारोबारी यात्राएं सफल होगी और आज उन्नति के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें, कला के क्षेत्र में थोड़ा सा प्रयास करिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। क्या ना करें, दूसरों का लाभ उठाने का प्रयास न करें तो बहुत अच्छा रहेगा। नमन, और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों, पारिवारिक सुख और संतुष्टि बनी रहेगी। कार्य में रुचि, के कार्य सफल, लेन देन के मसले हल होंगे, लेकिन थोड़ी सी धन की कमी है, इसलिए सोच समझ कर खर्च करें। स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा ध्यान और विशेष रूप से आंख और गले की ओर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या करें, बहुत जरूरी, भाई बंधुओं से मेल जोल बनाना बहुत जरूरी है। क्या ना करें, धन और समय का अपव्यय न करें बहुत अच्छा रहेगा। न बना रहे, यदि बिना वजह लोगों से आपकी संबंध खराब हो जाते, लोगों में हमेशा आपकी अनबन रहती, बिना वजह झगड़े हो जाते, तो अपने घर में रविवार दिन घर में सूर्य गायत्री का जाप करके हवन करें। रविवार के दिन प्रातकाल नित्य कर्म से निवृत्त हो स्नान उपरांत सूर्य गायत्री का जाप करें और जाप करने के उपरांत उसके दशांश हवन अवश्य करें, कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमन, और बात करते हैं आज के नुस्खों की। दमा का उपचार करने के लिए भुनी हुई फिटकरी और मिश्री 10 ग्राम पीस कर रख ले। दिन में 2 या 4 बार 1 से 1.5 ग्राम की फांकी ताजे पानी के साथ ले ले। 2 खुराक के बीच में 2 या 3 घंटे का अंतराल जरूर रखें। दूध घी मक्खन और तेल के अलावा खटाई और तेज मिर्च मसाले ये थोड़ा सा परहेज करें कुछ दिन तो बहुत अच्छा रहेगा। इसमें बहुत राहत मिलेगी। फिटकरी रामबाण है, फिटकरी और मिश्री रामबाण है दमे के लिए। नमन आ रहे, छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, छोटे छोटे मेरे उपाय, और ये सारे नुस्खे सारे उपाय www.shanidam.in पे मिल जाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि इनकी किताबें आपको मिले तो 9910692001 बुक्स के लिए, जन्म कुंडली के लिए आप 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। वैसे मेरी जो वेबसाइट है और मेरी फेसबुक है शनि शत्रु नहीं मित्र या www.shanidam.in, इससे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। नमोनारायण। मन ही मनुष्य मोक्ष और बंधन का कारण है। कबहू के मन रंग तुरंग चढ़े, कबहू मन खोजत है धन को। मन की अपना खेल, मन की अपनी रचनाएं है। कबू राजा बन जाता है, कबू रंक बन जाता है, कबू ग्रस्ती बन जाता है, कबू फकीर बन जाता है। और मनुष्य के लिए मन ही उसके दुख और सुख का कारण। जो मनुष्य मन पर सवार हो जाता है उसका जीवन खुशी से
भर जाता है, और जिसमें मन सवार होता है उसका जीवन जीते जी नरक से भर जाता है। इसलिए मन को आप अपने हाथ में कैसे लाए इस पर थोड़ा सा विचार करो, क्योंकि मन मनुष्य के मन का अजब खेल है, अपने हिसाब से अपनी दुनिया रच। कहते गौनू झा अपने मित्र हुसैन के साथ घूमने निकला सुबह सुबह, सुबह का समय था, पेड़ पर सुंदर चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। मन का खेल बता दो, और मन मन अपने हिसाब से गणित करता है। गौनू झा अपने मित्र हुसैन के साथ सुबह सुबह प्रातःकाल घूमने निकला, प्रातःकाल का समय था, पेड़ पर सुंदर चिड़ियों की आवाज सुनाई। गौनू झा कहने लगे कि कितनी सुंदर चिड़िया है, और जो कह रही है वो तो बहुत ही अद्भुत है। हुसैन को बुलाया और कहा कि ध्यान से सुनो ये चिड़िया क्या कह रही है, ये चिड़िया कितनी भक्त है। ये कहती कि राम शिया दशरथ, राम शिया दशरथ। गौनू झा ने कहा कि सुनो हुसैन, चिड़िया कह रही है राम शिया दशरथ। हुसैन जो उनका मित्र था उसने कहा ये चिड़िया कुछ और कह रही, जरा ध्यान से सुनो। चिड़िया जो अब सुन रहा था वो व्यापारी था। जब हम बाहर की ध्वनि को ठीक से सुन नहीं पाते हैं तो भीतर की बात तो अलग है। हम लाते अपनी धारणा, और जब तक हम अपनी धारणा लाते रहेंगे तब तक शब्द भीतर के हमें सुनाई नहीं देंगे। जो परमात्मा, जो परमेश्वर, जो अल्लाह ताला, जो परवरदिगार, जो वाहेगुरु, जो जो उसके भीतर की आवाज है वो आवाज हमारे तक नहीं पहुंच पाएगी। जब तक बाहर के सुना शब्द हमें सही सुनाई नहीं देंगे तो भीतर का परमानंद हमें क्या सुनाई देगा। और भीतर में परमानंद है परमात्मा। इसलिए सुंदरदास जी ने कहा है तेरो तेरे पास है अपने माहे टटोल, राय घटे ने तिल बड़े हरी बोल हरी बोल। तेरो तेरे पास में अपने माहे टटोल, राय घटे ने तिल बड़े हरी बोल हरी बोल। और इसी को तुकाराम जी महाराज कहा कि तुझा आए तुझा पास परि जागा चौकला। हमारा जो मन है वो बाहर की ध्वनियों में नहीं डूब पाता तो भीतर की ध्वनियों में कैसे डूबेगा। और भीतर की ध्वनियों में भीतर के उस शब्द के तब डूबेगा जब कोई संत मिलेगा, कोई फकीर मिलेगा। इसलिए प्रयत्न करो, प्रार्थना करो, सदगुरु की खोज करो। जब आप भीतर में जाएंगे और भीतर में इन बाहर संपूर्ण बाहर की ध्वनियों से आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और भीतर में आप कनेक्ट हो जाएंगे, और जो शब्द, जो गैवी आवाज, जो नाद, जो अनहद आपको सुनाई देगी, इसके आपका जीवन जीते जी आनंद और परमानंद से भर जाएगा। तेरो तेरे पास है अपने माए टटोल, राय घटे न तिल बढ़े हरी बोल हरी बोल। जो भीतर में बोल रहा जा रहा है, जो भीतर में है उसके साथ जुड़ लेगा। और एक बात ध्यान रखेगा, मन से मुक्ति तभी होगी जब आपकी कनेक्टिविटी भीतर होगी, और तभी मनुष्य जीते जी वर्तमान का आनंद ले पाएगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। चलिए बात करते हैं आज के सुझाव की। आज गुरुवार का दिन, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद रोगों से पीछा नहीं छूट रहा हो तो आज के दिन अपने स्नान के पानी में एक चम्मच हल्दी और 7 दुर्वा डालकर स्नान करिएगा। ये 12 के 12 राशियों के लिए अद्भुत उपाय करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। आज इतना ही, कल के लिए यदि है कहीं कोई परेशानी या कारोबार में कष्ट या लोगों ने आपको भयभीत किया शनिदेव के नाम से तो बताऊंगा उपाय, और पित्त प्रकोप है, पित्त का प्रकोप है तो नुस्खा बताऊंगा। साथ ही शुक्रवार का अद्भुत सुझाव मंत्र और दाती गुरु मंत्र की चर्चा करूंगा। लेकिन आज इतना ही।